व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको कहते हैं मूलियों की भुजिया। आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन हम लोग उसको मूलियों की भुजिया कहते हैं। अगर जो लोग आप लोग कहते होंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं। इसमें डाल रही हूँ, मैंने मैंने उसको पहले मूलियों को काटा है। काट के उसमें मैंने थोड़े से पत्ते डाले हैं मूलियों के, पालक नहीं डालते हम लोग उसमें। ठीक है, और उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने उसको निचोड़ लिया है। ये देखें, ये कुछ इस शक्ल में हो गई। ये देखें, ये बॉईल करके ना कुछ इस शक्ल में हो गई। बॉईल करके मैंने इसको निचोड़ा है। ठीक है, और अब देखिए मैं इसको कैसे, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये देखें, मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाता है तो मैं इसमें, ये देखें, सूखा धनिया डालती हूँ। ऑयल गर्म हो जाता है ना, तो इसमें प्याज इतना सा डलता है और इतना सा लहसुन डलता है कट करके। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ये देखें, मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाता है, फिर इसमें लहसुन प्याज डालेंगे। थोड़ा सा रेड हो जाए ना, ब्राउन ब्राउन सा हो जाए थोड़ा सा, तो फिर इसमें मैं लहसुन और प्याज डाल देती हूँ। ठीक है, इकट्ठा डालना है इसको। ये देखें, मैं ये डालने लगी हूँ प्याज और ये लहसुन डालने लगी हूँ। ठीक है, बहुत आसान है ये और बनती भी बहुत मजे की है। ब्राउन हो जाए ना लहसुन और प्याज, फिर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ब्राउन हो गया तो इसमें ये मैं डालती हूँ, ये सफेद जीरा है, ये दड़ा मिर्च है, ये पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है, नमक है। ठीक है, ये मैं डालती हूँ कट्टे से। थोड़ा सा मामूली सा पानी डालने लगे, मामूली सा, एक आसानी से बन जाती है तकरीबन 5 मिनट में। बॉईल हुई भी हो ना हुई है तो फिर, और मैं इसमें ये देखें, ये मिर्ची है गोल वाली, ये देखें, ये मैं डालने लगी हूँ। ठीक है, ये मैं इसमें मूलियां डालने लगी हूँ। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम पे अभी मैं इसको कम कर दूंगी फ्लेम को। ये देखें, ये देखें, अभी फ्लेम मेरा नॉर्मल है। अभी मैंने इसको ना कम नहीं किया, अभी मैं कम करूंगी थोड़ी देर में। जरा ये अच्छी तरह से हो जाए ना, पकने लग जाए, क्योंकि ठंडी हो गई थी बॉईल के बाद, निचोड़ा था ना मैंने इनको, तो ये अभी पक गया। Thank you.
ये मैं अब डालने लगी हूँ इसमें हरा धनिया, ठीक है। लगाने लगी हूँ दो तीन मिनट के लिए, फिर मैं आपको 2-3 मिनट के बाद दिखाती हूँ, ठीक है। चलें जी, अब ये 2 मिनट मेरे हो गए हैं पूरे, अब मैं देखती हूँ इसको, ठीक है, चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है, बहुत अच्छी। इसको मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर दी है, ये देखें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, ठीक है। इसके अल्लाह हाफिज़।